आइए जन्म से जो राशि यानी चंद्रमा की जो राशि है उसके अनुसार हम आपका राशिफल जानते हैं। मेष राशि के लोगों को सबसे पहले चुनौती जो मैं देना चाहूंगा वो यही है, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, क्रोध से बचना। ये दो चुनौती है मात्र, उसके बाद जम के मेहनत कीजिए और आप देखिएगा कि आपकी तरक्की होगी। मेष राशि के लोगों के लिए 2024 अच्छा वर्ष है, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आ रहा है। अब अगर आपको गुस्सा आया या अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ तो अपॉर्चुनिटी को कोई थाली में परोस के भी आपको दे देगा तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप उसको अवेल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए, और 2024 में जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं उसका लाभ उठाइए, आप सफल होंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा से वृषभ राशि जिन लोगों की पड़ती है उन लोगों के लिए समय अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि जनवरी से लेकर वह मार्च तक किसी ना किसी शारीरिक या मानसिक व्याधि से परेशान रहेंगे, लेकिन उन्नति भी हो रही है, तरक्की भी हो रही है, अच्छे लोगों का सानिध्य मिल रहा है, आप कुछ नया कार्य कर सकते हैं। जमीन है, वाहन है, इसके खरीदने के योग बन रहे, अच्छी नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे, तो कुल मिला के 2024 स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, लेकिन 2024 आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। हाँ, एक बात जरूर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, कहते हैं ना कि यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इतनी मेहनत करना सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आगे आपकी तरक्की जरूर होगी। मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि के लोगों को एक तो बोलना बहुत सोच समझ कर है, कभी कभी होता है कि हम मजाक कुछ ऐसी कर देते हैं कि जिसमें मजाक करने की बजाय मजाक उड़ाना ज़्यादा शामिल होता है और उससे दंगे फसाद होते हैं। और ये याद रखिएगा कि 2024 रिश्तों की दृष्टि से कमज़ोर साल है, इसलिए बहुत सोच समझ कर आप अपने रिश्तों को बनाइएगा और उसके साथ साथ बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। एक बात और कहता हूँ, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़िया कीजिए, नहीं तो रोग पकड़ लेगा, लिवर का, चेस्ट का, आँखों का, इन रोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब ठीक है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और कहीं कोई परेशानी यदि दिखाई दे भी रही है तो हम लोग बाद में उपाय डिस्कस करेंगे, तो वो उपाय आप कर लीजिएगा और देखिएगा प्रभु जी जरूर आप पर कृपा करेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क राशि वालों के पास बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा वर्ष आया है जिसमें उनकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। हाँ, शुरुआती कुछ महीने ऐसे हैं, लगभग 4 महीने, अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा, लेकिन नए रिश्ते भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। बस जब रिश्ता जोड़ें तो बहुत सोच समझ के जोड़ें, भावावेश में ना जोड़ें, दिमाग से काम लेकर जोड़ें। बाकी वाहन की सुविधा मिलती दिखाई दे रही है, घर की सुविधा मिलती दिखाई दे रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस की दृष्टि से भी अच्छा है। बस उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग बिल्डिंग में या बिल्डिंग मटेरियल में डील करते हैं, वहाँ थोड़ी सी कमी आ रही है। बाकी कुल मिला के अच्छा समय है, आपकी खूब तरक्की होगी, निश्चिंत होकर आप आगे बढ़िए। कर्क राशि वालों को बीमारी थोड़ा जल्दी पकड़ती है क्योंकि इन्फेक्शन ओरिएंटेड बॉडी होती है, तो इन्फेक्शन जल्दी जल्दी पकड़ता है, थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें। वैसे तो गिलोय का काढ़ा पी लिया करें, गिलोय और तुलसा जी वाला, तो सब ठीक रहेगा, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।